कहना चाहेंगे आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, दो केस का आपने हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करने वाले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ में इस तरफ बैठी है रुकैया। रुकैया की 15 साल की बच्ची, उसकी मौत हुई है। रुकैया, बताएंगे आपकी बेटी की मौत कैसे हुई है? आपको आज मैंने मीडिया के सामने बिठाया है, आप लोगों ने अनशन किया, मतलब क्या आपने प्रोटेस्ट किया था अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर? आपकी बेटी की मौत पर कोई FIR नहीं की गई, तो क्या हुआ वहाँ पर? FIR करने के लिए वो लोग नहीं सुना ली, नहीं करे FIR। हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुए, हमारे बच्चे का इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे के साथ बहुत गलत हुए। क्यों मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, मगर हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे से कौन ऐसी गलती है कि हमारे बच्चे को रात में 2 बजे रात में मर्डर करके नीचे डाल दे 3 माले पर। कितने माले से फेंका है उसको? 15 माला से 3 माले पर लाके रख दिए। सुबह होकर पुलिस चौकी वाले को बुला के उसके हवाले मेरे बच्चे की बॉडी को उसके हवाले कर दिए, वो ले जाके नार में रख दिए। नार में कितने दिन थी बॉडी? नार में 6 दिन भर के नार में मेरे बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी। आपने मैयत नहीं उठाई थी क्योंकि FIR नहीं कर रहे थे? FIR नहीं कर रहे थे, हमारे को बच्चे का इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो हम। फिर क्या बोला आपको पुलिस वालों ने? उसने बोले कि जब तक PDM रिपोर्ट नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके गाइज, नाउ लिसन। मैम, ये मामला कहाँ का है और कौन सी बिल्डिंग का है? मैं बताती हूँ, ये मामला है अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन की जुरिक्शन का। पुलिस ने कोई FIR नहीं की। ये है वो लड़की जिसकी मौत हुई है, महज 15 साल की एक बच्ची जो एक सैफ मोजा वाला करके फैमिली के घर में काम करती थी। जिस लड़की का मर्डर नहीं हुआ है, अगर पुलिस मुझे लिख के दे देती है मैं अनशन पे नहीं बैठूंगी। ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि RTI मारने के बाद हमारे हाथ में आई है। क्या आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कर्डी वाइट सेक्रेशन सीन एट वर्जिनल ओरिफाइस पर्जिंग प्रेजेंट। एक 15 साल की नाबालिग लड़की की बॉडी पे समन्स पाए गए, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है। पुलिस ने FIR नहीं किया। ये बिहार को बिलोंग करते हैं, ये लोग लेबर लोग हैं, घर के कपड़े बर्तन धो के ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। इनके जितने कम्युनिटी के लोग थे वो लोग वहाँ पे एकत्र हुए और लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाद धरना दिया कि केस लीजिए। हमारे काबिल ऑफिसर्स ने क्या किया अग्रीपाड़ा जुरिक्शन के? उन्होंने पीड़ित के रिश्तेदारों को उठा के 353 का झूठा FIR बना के पीड़ित के फैमिली को डाल दिया अंदर। कोई 15 दिन अंदर रहा, कोई महीना अंदर रहा, कोई 1.5 महीना अंदर रहा। क्यों इंसाफ का गला घुटा जाता है? जब कोई पावरफुल इन्फ्लुएंसर सामने आता है जिसके पास पैसा है तो गरीब हमेशा पिसा जाता है। ये रहा मैं इस 15 साल की बच्ची के लिए आवाज़ उठाते हुए। मैंने स्टेट के CM, डेप्यूटी CM, हमारी पार्टी के लीडर श्री शरद पवार, उनसे भी निवेदन किया है कि मेरे कौम की एक लड़की मर गई है। मैं माइनॉरिटी को बिलोंग करती हूँ, हम मुसलमानों को हमारे देश में हर चीज़ के लिए बड़ा लड़ना पड़ता है। मैंने लिखित में दिया एज ए पॉलिटिशियन उन्हें कि प्लीज़ सर लुक एट दिस मैटर, वी नीड सपोर्ट, इस बच्ची के हक में FIR करा पाऊँ, बट विच इज़ नॉट हैपनिंग। इसलिए मैं मेरा अगला स्टेप बताऊंगी मैं क्या करूंगी। कहीं ना कहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, तो जी क्या लगता है ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, ये तो बेटी देश की बेटी है, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, तो इस पे आपको क्या कहना है? सर ऐसा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये नारा अच्छा लगता है सुनने में, प्रैक्टिकल करके देखो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। एक 15 साल की बच्ची की बॉडी पे सिमन क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम हुआ लड़की की मौत हुई, लड़की का, एक सेकेंड, आपने बोला उसके चेहरे पे फाइट मारा हुआ था, हाँ, आपको लग रहा उसके चेहरे पर फैट लगा हुआ है, हमारे बच्चे का चेहरा है, मुंह इधर घुमा हुआ था, पूरी दांत बाहर थी। बिल्डिंग की बात करें तो कौन सी बिल्डिंग से? क्लासिक टावर अग्रीपाड़ा, क्लासिक टावर। और बड़ा 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 हाई प्रोफाइल केस है, मैंने सुना करोड़ों रुपये बांटे गए इस केस से बचने के लिए। अब तुम लोग बच के रहना कि सामने मैं हूँ और बड़ी ही नॉन करप्ट हूँ। अब देखते हैं, या तो तुम्हारे में इतनी ताकत है एक 15 साल की बच्ची का आप विकेट गिरा सकते हो, तो ट्राई फॉर मी। ओपन चैलेंज कर रहे हैं मैं मोजा वाला फैमिलीज को, वो हाई प्रोफाइल फैमिली, वो हाई प्रोफाइल नूर मोहम्मदी होटल के लोग, उन लोगों का कॉपरेशन
क्रिमिनल्स की तरफ, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स है, 15 साल की बच्ची की लाश पड़ी रही। मैं मेरे दूसरे केस की तरफ मुड़ती हूँ। यहाँ पे एक और पीड़ित परिवार बैठा है। मैंने कहा था आज का दो मर्डर केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सुहान की नॉर्मल पिक्चर लाया, बताइए। ये सुहान 18 साल का एक बच्चा, कैन यू सी दिस पिक्चर प्रॉपरली? आप इस हैंडसम से बच्चे को देखिए, 18 साल का बच्चा ये। आपका नाम क्या है बेटा? फरहान। आप सुहान के छोटे भाई हैं। जब इनका मर्डर हुआ आप साथ में थे? कहाँ हुआ आपका भाई के साथ में इंसिडेंट? जोर से उधर देख के बोलो। पंपापुर में। पंपापुर किधर है? बांद्रा ईस्ट। ओके। ये लड़के को नेक्स्ट डे बॉडी जब मिली है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ बॉडी, कैन यू सी दिस? ये वही हैंडसम सा बच्चा है 18 साल का। मैं इस केस में थोड़ी सी रोशनी डालती हूँ। इस केस का एप्लीकेशन मैंने फाइल किया। ये पीड़ित के फादर है। मैं आप लोगों को फोटोज दूंगी, आप ऐसे साथ में देख सकते हैं। आप जब अपने भाई के साथ थे वहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, शॉर्ट में बताओ और फटाफट बताओ। हम लोग नहाने गए थे तो वहाँ से तीन जना, एक ने डंडा उठाया था और एक पत्थर उठाया था, पिंक शर्ट पहना था, पत्थर वाला। पत्थर कितना बड़ा होगा बेटा? पत्थर इतना बड़ा था। तो हम लोग ये ना भाग गए, मेरा भाई उधर ही खड़े रहा, दोनों एकदम तेज इसको पत्थर फेंक के मारा इधर पे, तो पानी में गिर गया। हम लोग डर के मारे घर पे बताई नहीं थी। वो पानी से बाहर निकला? नहीं निकला। आप लोग समझ रहे हैं बात को? चार बच्चे, पांच बच्चे थे आप लोग? हाँ। पांच बच्चे नहा रहे थे, चारों बच्चे माइनर, एक ही लड़का जो 18 साल का था वो ये बच्चा सुहान। वो एक्चुअली बांद्रा ईस्ट का पट्टा दोगे, वेस्ट से ईस्ट जाने का पट्टा, तो आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा मीडिया, आउटडोर मीडिया देखिए आप, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे घूमते हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन बच्चों को बैनर्स के नीचे नहाते हुए देखा, उन्होंने आवाज़ दी, एक बच्चा रुक गया, बाकी भाग गया। उसने पत्थर दे के उसके मुँह पे मारा, वो बच्चा समुंदर में गिरा, वो नहीं बाहर आया। वो बच्चे की बॉडी अगले दिन माहिम रेती बंदर पे मिली है। ये हैंडसम सा लड़का, इसकी हालत ये दिख रहा है आपको। क्यों ये मैटर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं आप जाहिर करती हूँ। सलमान भाई बताइए आपका नाम? सलमान शेख। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। क्या हुआ आप जब पुलिस में बोलने लगे कि आपके बेटे की मौत ऐसी हुई है, उसको मारा गया, तो पुलिस ने आपको क्या बोला? पुलिस ने बोली तुम्हारा लड़का और जो बच्चे थे वो बयान दिए, डूब गया। बोला सर वो लोग बच्चे हैं, डर गए थे, वो डर के मारे ऐसा बोले। बराबर। और बाकी इसका मर्डर हुआ है जी, तो पुलिस बोलती है तुम अपने आप से कैसा बोल रहे हो, इसका हाँ। मर्डर नहीं हुआ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ओके। तो मैं बोला कुछ इसका कंप्लेंट वगैरह करके दो, बोले कंप्लेंट नहीं होएगा, वहाँ तो हजारों बच्चे वहाँ नहाते रहते हैं, ऐसा हादसा होता रहता है, मरते रहते हैं, पुलिस वालों के बच्चे नहीं मरते है ना। तो मैं बोला ऐसे हादसों में पुलिस वालों के बच्चे नहीं मरते है ना। आपका जब एप्लीकेशन मैंने फाइल किया, आपकी मेरी एक दिन बात हुई थी, आप गए थे रेलवे पुलिस स्टेशन, क्या बोला आपको पुलिस वाले ने? रेलवे में गया तो बोले कौन है? नहीं, आपको क्या बोला? मेरे को बोले, मैं बोला सर मेरे को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दो, तो बोले काहे का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आया नहीं है। फिर बाद में बोलते है देखो यह आया है, इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल है, इसमें कोई मारा नहीं गया है, और तुम लोग घड़ी घड़ी बोले क्या है, तुम बांद्रा वेस्ट में सरनम शेख के पास जा रहे हो, ये घड़ी घड़ी अगर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मैं केस करके तुमको ही अंदर डालूंगा। सुन रहे हैं आप मीडिया के लोग? मेरे को उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो डूब के मरा है, तुम लोग खाली अफवाह फैला रहे हो, तुम्हारा लड़का झूठ बोल रहा है। मैं बोला सर वो सच बोल रहा है, वो डर गया हुआ था और उसके साथ तीन बच्चे हैं वो भी डरे हुए थे, लेकिन जब भी बॉडी मिला पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी आके मतलब मट्टी वट्टी दिया गया, उसके बाद में इन लोगों ने बताया कि मारा गया हुआ है। फिर वापस मैं माहिम चौकी में गया वहाँ लिखवाने के लिए, तो उन लोग भी मेरे को भगा रहे, बोले झूठ बोल रहे हो तुम, मारा नहीं गया। तीन पुलिस स्टेशन, माहिम पुलिस स्टेशन, शाहूनगर पुलिस स्टेशन, थर्ड बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन, तीन पुलिस स्टेशन में इनका स्टेटमेंट हुआ। ये लड़का आई विटनेस है, इसने अपने भाई को मारने वाले इंसान को देखा है। आप सभी लोग मुंबई में रहते हैं, मैं बात करती हूँ आज के ज़माने की, आज की जनरेशन की। हमारे प्रिय मोदी जी ने देश को डिजिटल कर दिया, किसी को भी ढूंढ के निकालना मेरे ख्याल से पुलिस के बाएं हाथों का खेल होता है। तो एक लड़के की मौत हो जाती है, आरोपी को निकालना कितना मुश्किल काम था। जितने भी मीडियाज के, आउटडोर मीडिया के बैनर्स लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए, उनके सारे कर्मचारियों को सामने लाया जाए, इस बच्चे से शिनाख्त कराया जाए,
पता चल जाएगा कि किसने मर्डर किया है। ये दोनों मर्डर केस में मुझे मुंबई पुलिस से कार्रवाई चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन और बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, मुझे लिखित में दे दीजिए। मुझे जो करना है वो मैं ज़रूर करूँगी, और इन दोनों बच्चों के हक के लिए किस हद तक लड़ना है उस हद तक मैं ज़रूर लड़ूंगी। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, आज मैं ग्लोबल वर्ल्ड में एक इनविटेशन देना चाहती हूँ। इफ़ यू गाइज हैव गुड प्रोजेक्ट्स, वी हैव फाइनेंसेस। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, देश के नहीं, दुनिया के कोने कोने से वी हैव इन्वेस्टर्स, वी हैव प्रोजेक्ट्स। इफ़ यू गाइज हैव एनी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, NFL इज एसोसिएट विथ मी। आई हैव डन अ ब्यूटिफुल कोलाब्रेशन विद NFL एंड यू कैन सी NFL ऑन स्क्रीन। प्लीज प्रिया, गो अहेड। प्रिया, हाय गाइस, थैंक यू वेरी मच शबनम फॉर ट्राइंग टू टेक अस ग्लोबल। वेल, आई विल आस्क टू एक्सप्लेन द होल सिनेरियो टू यू गाइस टू व्हाट NFL एग्जैक्टली डज। अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बीन गिवन बाय आवर मेन पर्सन, या विद द शबनम। वेरी नाइस लेडी एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव हर ऑन माय टीम। Thank you so much. I'm the corporate director for MENA region, which is Middle East and after the African zone. We provide finance to equity project depending on certain if you pass through criteria, then definitely either go into as a loan or we finance the project as a equity partner. Currently, we have a very good investment scheme on with, we have tied up with PDSwiss. If you guys Google in, you all will know that PDSwiss is one of the biggest, in fact, I think, I am very much a native of India, and I am one of the, I'm president of one of the subsidiary companies of NFL. So addressing you all, it's sheer pleasure, impart knowledge of what we are doing in our capacity. So from NFL, we are right there to support you in whatever project you have, big or small. So we do the due diligence and we see that in what capacity can we fund as an investor. Thank you so much. Allies and associates in India, in different regions of the country. And as my colleague Priya was just telling you about PDSwiss, so we have just entered into the Forex marketing. Forex, everybody understands that Forex includes of the foreign currency, commodities and crypto. So we are getting all those things and we have got white labeling done from PDSwiss. PDSwiss is one of the biggest companies of Europe, precisely from Switzerland, who are the pioneers of this industry, and they have chosen NFL to give the white labeling of it. So NFL markets, is an independent platform where one can go and trade on it. Apart from that, we are also the venture capitalists where, we try and shortlist these startups and we try to fund them, pre-seed round, middle seed round, final round. So we do all that. Yes, provided after due diligence and the compliance is being met with. Also, NFL Investments now is a very, very big name. I mean, for many years that we have spent in Dubai. So it's a well-known name and people rely on us and our credibility speaks for itself. Thank you, Shabnam, for putting in place and, any question from media side, I'm ready to take it up. Any question by media? Okay, thank you, brothers. Thank you very much, sweetheart. Okay, let me be a little louder because as it was a video call and on call, it is a little difficult to make you guys understand. We have financiers, we have investors from across the world. Now, me, Shabnam Sheikh, getting India, investments, the finance, the projects, we actually really looking out for. The global world is really open for the businessmen who are really into finance. Main अपनी तरफ से एक इनविटेशन देना चाहूँगी हर उस शख्स को जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं या जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, टॉक बिजनेस, बिकॉज somebody asked me कि मैडम उर्फिका क्या, उर्फिका क्या, उर्फिका, कम ऑन यार,
मेरे पास दुनिया भर के काम है, आई हैव नथिंग टू डू दैट, और मैंने सिर्फ उर्फी का केस फाइल किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मसाला अपनी तरफ है, काम अपनी तरफ है, वो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक वेस्ट थी। बस सुधर जाए, कोशिश यही है। जब हम बिजनेस की बात करें तो वी हैव अवर ओन ऑथेंटिकेशंस। इसी के साथ मैं अपना आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहती हूँ। एज यू गाइस ऑलवेज फाउंड मी हैव लॉट ऑफ कार्स, सो आई हैव लॉन्च अ स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपनी विच इज कॉल्ड शबनम्स ऑटोमोबाइल्स कार स्टॉक एक्सचेंज। इट्स जस्ट बिसाइड बाबा हॉस्पिटल बांद्रा, and that's actually owned by me and my adopted son Noor, Muhammad Noor, and Noor is basically expert into the cars. Hum cars buying and selling ka polishing and coating, we have started this company and we want all the associate to support us, well wish us and really pray for us. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.